आप देख रहे हैं SPN9 News। SPN9 News में इस वक्त की बड़ी खबर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू के केरल जो दौरा है उस पर लेकर विवाद छिड़ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी पहली यात्रा पर केरल आने वाली है, लेकिन उनके दौरे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुर्मू लुलू समूह के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक यूसुफ अली MA के स्वामित्व वाली हयात रेजेंसी में ठहरेंगी, जिन्हें कथित तौर पर प्रवर्तन द्वारा दो बार नोटिस दिए गए हैं। ईडी ने उन्हें यूसुफ यानी कि यूसुफ को कुछ मामलों के सिलसिले में पेश होने के लिए कहा है। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता एवं यहां पर आपको बता दें कि शहदू एक वेदी नेता स्वामी डॉक्टर भार्गव राव ने फेसबुक पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रपति के लिए एक ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व वाले होटल में रहना अनुचित है, जिसे ईडी द्वारा दो बार नोटिस दिए गए हैं। निदेशालय कुछ गंभीर मामलों में पूछताछ करना चाहता है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन की ओर से किसी व्यक्तिगत या व्यावसायिक हितों से प्रभावित नहीं किया जा सकता। केंद्रीय एजेंसियों को इस संबंध में तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष गरमा गया है। विपक्ष ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष ये कह रहा है कि आखिर क्यों यहाँ पर हजारों की संख्या में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टियों पर रेड डलवा दी जाती है, और उसके बाद भी ईडी CBI तमाम एजेंसियों को कुछ हाथ में नहीं लगता है। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर यूसुफ को ईडी के जो है यहाँ पर नोटिस भेजे गए हैं, उसको पूछताछ के लिए बुलाने की बात की गई है, तो इस पर इतनी देरी क्यों? दो बार यहाँ पर भेजा गया है नोटिस, सब कुछ किया गया है, इसके बावजूद भी देश की राष्ट्रपति वहाँ पर क्यों रुकेगी? ये तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि क्या सच में यहाँ पर पक्षपात होता है कि सिर्फ ईडी, CBI और IT विपक्ष के लिए बनी है या फिर तमाम लोगों के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में कई बार चूक हुई है। पहले भी राजस्थान में देखा गया है, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, विपक्ष के तमाम नेताओं की, राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक हुई थी, तो फिर क्यों यहाँ पर ईडी, CBI और IT जैसी जो एजेंसियाँ हैं वो यूसुफ जैसे तमाम होटल या उद्योगपतियों को छोड़ने का प्रयास करती है? क्योंकि सवाल तो अडानी पर भी है कि अडानी पर आखिर रेड क्यों नहीं डाली जा रही है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 News।